बच्चे देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, पूरा कंप्लीट करके घर को जाने का है अपने को। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, CFS। कैश फ्लो का मतलब हमने कैसे कहा था, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब पैसे और पैसे की बराबर वाली चीजों का आना और जाना क्या कहलाता है, कैश फ्लो कहलाता है। पैसे और पैसे की बराबर वाली चीजों का आना और जाना। देखो पैसे का मतलब है कैश इन एंड कैश आउट बैंक, अपना पैसा अपने बैंक में रखो, अपना पैसा अपनी जेब में रखो, वो तो तुम्हारा कैश है ही। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, कैश के बराबर, हाँ है ना, उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बेटा जी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या होता है बेटा जी, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट तुम्हें पता है ना कहाँ आती है, करंट एसेट के अंदर आती है, मतलब बैलेंस शीट में, करंट एसेट में। करंट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो तुम्हारी कहलाती है करंट इन्वेस्टमेंट कहलाती है, कि नहीं है। तो जो तुम्हारी करंट इन्वेस्टमेंट है ना, वो उसे तुम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हो। अब देखो सवाल क्या है, क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट मानना है या नहीं मानना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट मानना है या नहीं मानना है, ये बड़ा मैटर करता है हमारे लिए। बोलिए हाँ या ना। अभी मैटर, ये मैटर खुलजेगा कैसे, इसे हम समझेंगे कैसे, ये समझना जरूरी है। देखिए आप इसमें ना दो बातें कर सकते हैं, कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कन्वर्टेबल इंटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, जिसे बहुत ही जल्दी कन्वर्ट कर लिया जाएगा किसमें, कैश में, उसे हम कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। अब शॉर्ट पीरियड का मतलब है 3 मंथ। तो पता है तुम क्या करो, इस करंट इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक जो 3 महीने वाली इन्वेस्टमेंट और एक 3 महीने से ज़्यादा वाली इन्वेस्टमेंट, हाँ ना। नॉर्मली करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, 12 महीने वाली होती है। 12 महीने में भी हमने क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए, 3 महीने और 3 से 12, मतलब एक तरीके से ये यहाँ पे 3 से 12 9 महीने आ रहे हैं और ये 3 महीने आ रहे हैं। जो 3 महीने वाली इन्वेस्टमेंट है उसे तुम कैश इक्विवेलेंट बोलोगे, वो कैश इक्विवेलेंट मानी जाएंगी, और जो 3 से ज़्यादा समय लेंगी कन्वर्ट होने में वो कैश इक्विवेलेंट नहीं मानी जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई, हाँ ये ना, मतलब जो कैश, मतलब एक जो कन्वर्टेबल हो जाएगा 3 महीने में वो कैश इक्विवेलेंट है, और जो 3 महीने से ज़्यादा समय लेंगी कन्वर्ट होने में कैश में, वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, तो तुम हमेशा क्या मानोगे, 3 महीने वाली मानोगे और उसे करंट इन्वेस्टमेंट बोलोगे, उसे कैश इक्विवेलेंट मानोगे, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो। तो यानी कि मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पैसे और पैसे के बराबर वाली चीजों का आना और जाना, उनका मूवमेंट कहलाना, वो कैश फ्लो कहलाता है। क्या कहलाता है, कैश फ्लो। क्लियर ही नहीं है। अब सवाल आता है कि कैश फ्लो कहाँ डिफाइन करा गया है, AS3 के अंदर रिवाइज में डिफाइन करा गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। बोलिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 रिवाइज में AS3 के फॉर्मेट को डिफाइन करा गया है। पूरी CFS किसके ऊपर बेस्ड है, कैश बेसिस अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, कैश बेसिस अकाउंट, जोर से बोल दो, कैश बेसिस अकाउंट, एक बार और बोल दो, कैश बेसिस अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड है। कैश बेसिस अकाउंटिंग के ऊपर पूरी CFS बेस्ड है। अब कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या है बेटा जी, कैश बेसिस अकाउंटिंग ये बिल्कुल कैश बुक की तरह है। जैसे कैश के अंदर क्या होता है, पैसे का आना जाना देखा जाता है ना, ऐसे CFS के अंदर भी, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भी पैसे का आना जाना देखा जाता है। बोलो हाँ या ना, क्या मेरे पास समझ में आई नहीं आई। अब हम बात करेंगे कि कैश CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। तो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है द स्टेटमेंट इन विच वी शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। मतलब एक ऐसी चिट्ठी, एक ऐसा चिट्ठा, एक ऐसा पेपर वर्क जिसमें पैसे और पैसे के बराबर वाली चीजों का आना और जाना सिस्टमैटिकली दिखाना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। कैश सिस्टमैटिक मैनर का मतलब क्या हुआ, सिस्टमैटिक मैनर का मतलब हुआ कि अपनी CFS को 3 टुकड़ों में बांट दो, अपनी CFS को 3 टुकड़ों में बांट दो, 3 एक्टिविटी में बांट दो, 3 ट्रांजेक्शन, एक्टिविटी का मतलब है 3 ट्रांजेक्शन में बांट दो। हमारे धंधे में 3 तरीके की ट्रांजेक्शन होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। बोलो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, जिन्हें आप ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन, इन्वेस्टिंग ट्रांजेक्शन या फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन बोलते हो, हम उन्हें यहाँ के बोल देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर नहीं है, जुगाड़ लगाना चलाना, क्लियर नहीं है, जुगाड़ लगाना चलाना याद कर लो। देखो क्या है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या बेटा जी, पैसे का जुगाड़ करना, पैसे का जुगाड़। पहले धंधा करने के लिए क्या चाहिए, अपने को पैसा चाहिए, या तो मालिक अपना पैसा लगाएगा या मालिक कहीं से पैसा लेके लगाएगा। पहले धंधे में कुल मिलाकर क्या आएगा, पहले पैसा। तो पैसा लाना क्या कराता, फाइनेंसिंग, जुगाड़, जुगाड़,
क्लियर है। फिर जो पैसा आया उसे लगाया, क्या करा, धंधे में इन्वेस्ट करा, क्या करा, धंधे में इन्वेस्ट करा। और जब पैसा धंधे में इन्वेस्ट करा, अब धंधा ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे, बोलो हाँ या ना। तो धंधे को चलाने वाली एक्टिविटी क्या कहलाएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएंगी, बोलो हाँ या ना। और धंधे में इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगी। इन्वेस्टमेंट का मतलब, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स तो है ही। जैसे अगर आप देखोगे ना, ये मेरा इंटरेक्टिव पैनल है, ये मेरा लैपटॉप, मेरा डेस्कटॉप, मेरा कैमरा, मेरा एसी, हाँ या ना, ये सब क्या मेरी फिक्स एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर मैंने कोई म्यूचुअल फंड, किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद रखे हैं, तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है मेरी, ठीक है ना, वो मेरी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। सोना चांदी वगैरह, मतलब जो मतलब कुल मिला क्या था समझो, एक होता है धंधे में इन्वेस्ट करना, वो तो उसके अलावा इन्वेस्टमेंट करना। जैसे पैसा तो बनता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसे से पैसा तो बनेगा, लेकिन एक से धंधा आता है, एक से धंधा नहीं आता। एक धंधे की इन्वेस्टमेंट है और एक बिना धंधे वाली इन्वेस्टमेंट है, आया ही नहीं आया। और ये क्या कहलाएगा, अरेंजमेंट ऑफ फंड, पैसे का जुगाड़ करना। क्लियर ही नहीं है क्या, मेरी बात समझ में आई है नहीं आई, बोलिए फटाफट से, हाँ या ना। अरे क्लियर ही नहीं है, ठीक है, दो मिनट रुकना जरा। लेसन प्लान वीडियो सीएफएस, देखो इनको कर लेंगे, हमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अरे अच्छा, हाँ ठीक है, ये देखो, अब पहले हम बात करते हैं किसकी, आ जाओ, अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। इसके बाद करेंगे फाइनेंसिंग, मैंने बताया ना फाइनेंसिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फंड, पैसे का जुगाड़ करना। तो देखो कंपनी पैसे का जुगाड़ कहाँ करते रहती है, शेयर, इक्विटी शेयर देगी तो पैसा आएगा, प्रेफरेंस शेयर देगी तो पैसा आएगा, डिबेंचर या बॉन्ड देगी तो पैसा आएगा, या कहीं से पैसा लेगी तो पैसा आएगा। तो कंपनी इन तीन, इन चार एक्टिविटी से क्या कर सकती है, पैसे का जुगाड़ कर सकती है। शेयर इशू करो, डिबेंचर इशू करो, इक्विटी शेयर इशू करो, प्रेफरेंस शेयर इशू करो, या लोन लो, आए ना पैसे का जुगाड़। लेकिन अगर कंपनी पैसे का जुगाड़ करेगी तो बदले में कंपनी को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। अब जैसे कंपनी अगर लोन लेगी तो क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। डिबेंचर के थ्रू पैसा लेगी तो क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और शेयर्स के थ्रू पैसा लेगी तो क्या देना पे करना पड़ेगा, डिविडेंड। मुझे बताओ अगर कंपनी पैसा ही नहीं लेती तो क्या डिविडेंड और इंटरेस्ट देने की नौबत आती, नहीं आती। तो यानी कि याद करना क्या है, मैंने कहा अगर पैसा लेना कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट या डिविडेंड देना भी क्या होगा, फाइनेंसिंग। याद आया नहीं आया, क्लियर ही नहीं है, इंटरेस्ट डिविडेंड देना भी कौन सा एक्टिविटी हो जाएगी आपकी, फाइनेंसिंग। और याद है मैंने क्या सिखाया था आपको, कि जो इंटरेस्ट और डिविडेंड है ये ऑलरेडी प्रॉफिट में से माइनस होते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट और प्रॉफिट कहाँ से दिए जाते हैं, प्रॉफिट में से दिए जाते हैं। और प्रॉफिट कहाँ जाता है बेटा जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो यानी कि इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑलरेडी ऑपरेटिंग में से क्या होते हैं, माइनस, क्योंकि प्रॉफिट वहाँ पड़ा हुआ है तो ऑलरेडी ऑपरेटिंग में से क्या पड़ा हुआ है, वो माइनस हुआ पड़ा है। तो तुम क्या करते थे, ऑपरेटिंग में तो पढ़ते थे प्लस डिविडेंड को और इंटरेस्ट को, और फाइनेंस में क्या करते थे, माइनस। ट्रीटमेंट रिकॉल हो गया, एक ट्रीटमेंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, क्लियर ही नहीं है। अच्छा कंपनी ने अगर पैसा लिया है तो कंपनी कभी ना कभी पैसे को वापस भी तो करेगी, अगर पैसा लेना कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, तो पैसा वापस करना भी क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग। मैं शब्दों को याद कर लो, बैंक के पैसे को वापस करना क्या कहलाता है, रीपेमेंट, रीपे, चुका देना। रीपेमेंट की जगह क्या लिखेंगे, रिडेम्पशन लिखेंगे, बात वही है, रिडेम्पशन रीपेमेंट एक ही मीनिंग है, बस बात मतलब शब्द अलग हो रहा है। डिबेंचर के पैसे को वापस करना रिडेम्पशन, प्रेफरेंस शेयर के पैसे को वापस करना रिडेम्पशन, और इक्विटी के पैसे को वापस करना बायबैक। शब्द याद कर लो, बायबैक मतलब इक्विटी में बायबैक बोलते हैं, लोन में रिपेमेंट बोलते हैं, बाकी जगह दोनों में रिडेम्पशन बोलते हैं, आए ना।
तो मेन एक्टिविटी फाइनेंसिंग है, तो इस मेन एक्टिविटी की वजह से अगर कुछ और होगा तो भी वो क्या होगा, फाइनेंसिंग। आ रहा है तो ऐड करेंगे, जा रहा है तो लेस करेंगे, आया या नहीं आया क्लियर ही नहीं है। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे मेरे बेटा जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। किसकी बात करेंगे मेरे बेटा जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, क्लियर ही नहीं है, आए ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है, जैसे कार बिल्डिंग के अंदर पैसा लगा देना, बोलो हाँ है ना, ठीक है ना, शेयर परचेज कर लेना, इक्विटी शेयर पर फिर शेयर के अंदर पैसा लगा देना, डिबेंचर या बॉन्ड के अंदर पैसा लगा देना, या किसी को लोन दे देना। लोन दोगे पैसा जाएगा, डिबेंचर बॉन्ड खरीदोगे पैसा जाएगा, शेयर खरीदोगे पैसा जाएगा, कोई एसेट खरीदोगे पैसा जाएगा, तो पैसा जा रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा जाता है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या कर दोगे, माइनस। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट करने से कुछ आएगा भी, क्या आएगा, जैसे कि लोन दिया है तो इंटरेस्ट आएगा, डिबेंचर खरीदे हैं तो कंपनी हमें इंटरेस्ट देती है ना, शेयर्स लगाए हैं तो कंपनी हमें डिविडेंड पे करेगी, और अगर हमने कोई कार एसेट लगाई और एसेट को किराए पे दे दिया है तो रेंट या कमीशन आएगा, बोलो हाँ ये ना। तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो ये आता नहीं, तो ये करना इन्वेस्टमेंट है, तो रेंट और डिविडेंड या इंटरेस्ट आना भी क्या होगा, इन्वेस्टिंग है। तो जहाँ पापा वहाँ बेटा, याद आया नहीं आया, और ऑब्वियस ही बात है मैंने क्या बोला, ठीक है ना, कि अगर आपने परचेस करा है तो कभी ना कभी सेल भी करोगे, तो परचेस करना इन्वेस्टिंग, तो सेल करना भी क्या होगा, इन्वेस्टिंग, आए ना। लोन देना इन्वेस्टिंग, तो अपने लोन की रिकवरी करना भी इन्वेस्टिंग, बोलो आए ना। जब पापा माँ बेटा, पैसा आ रहा है तो ऐड करो इन्वेस्टिंग में, जा रहा है तो लेस करो। फिर दूसरी बात, इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना, रेंट मिलना, ये इन्वेस्टिंग है। लेकिन इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, ये इसे इनकम मान के तुमने क्या कर दिया होगा, प्रॉफिट में ऐड कर दिया होगा, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, प्रॉफिट में ऐड कर दिया होगा। प्रॉफिट कहाँ पर होता है, ऑपरेटिंग में। ये जो रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट है ना, ये ऑलरेडी कहाँ ऐड हुए पड़े हैं, ऑपरेटिंग में ऐड हुए पड़े हैं। तो ऑपरेटिंग से क्या करता था, लेस, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करवाता था, बोलो हाँ ये ना, और फाइन इन्वेस्टिंग में ऐड करवाता था। मतलब जहां पर बिना बात की ऐड है वहां लेस करो, और जहां ऐड होनी चाहिए वहां ऐड कर दो, याद आया। तो एक ट्रीटमेंट हमारा ये भी कंप्लीट होता है, आया या नहीं आया। जबकि हमने क्या सीखा हुआ है, हमने सीखा हुआ है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है उसको बनाने के हमारे क्या होते हैं मेरे बेटा जी, दो तरीके होते हैं। देखो CFS बनाने के दो तरीके नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बनाने के दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्लियर ही नहीं है। डायरेक्ट हमारे कोर्स में नहीं है, इनडायरेक्ट हमारे कोर्स में है, हम उसकी बात करेंगे, आ जाओ। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जो फॉर्मेट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट जो तुम्हें ध्यान में रखना है वो क्या है, नेट प्रॉफिट। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे, फिर उसके नीचे क्या ऐड करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, याद आ रहा है ना। हम नॉन कैश एक्सपेंस क्यों ऐड करते हैं, देखो तो जितने भी खर्चे हैं वो ऑलरेडी लेस हैं, हम उन्हें क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। नॉन क्यों ऐड कर रहे हैं, देखो खर्चा क्या होता है नॉर्मली माइनस, सुनो मेरी बात, खर्चा क्या होता है नॉर्मली माइनस, लेकिन माइनस को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, प्लस। बट वो प्लस क्यों किया ये समझना जरूरी है, ठीक है, एक मिनट नमस्ते, हेलो, हाँ बोल, घर पे नहीं, कुछ भी कुछ भी बोल रहा है, हाँ हाँ लग तो जाना चाहिए, चले जाओ, मेरा तो भैया 8 बजे तक जाएगा बैच, 8:30 तक बैठता हूँ, बस मेरे को नहीं तो 8:30 तक सुनने में आता है मेरे को, तो जो मैं तेरे को बताऊं,
कहां पर हो? चल तो 2 मिनट में 7:30 बजे बताता हूँ तेरे को, ठीक है ना? तू ले आ, ठीक ठीक हाँ, उठे ना वैसे मेरे बता रहा, तुम 7:30 तक भी आ जाओगे ना तो भी तुम्हारा बात बन जाएगी। बस आज आज चलो ठीक है। अब इधर इधर देखना जरा, तो नेट नेट प्रॉफिट के अंदर हम क्या ऐड करेंगे? नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखो एक्सपेंसेस को लेस किया जाता है, इन्हें ऐड क्यों कर रहे हैं याद रखना। ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये ऑलरेडी लेस है, ये ऑलरेडी क्या है, ये एक्सपेंस लेस है। हम इन्हें हटाने के लिए उल्टा कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब सवाल है कि नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हटाया क्यों जा रहा है? क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग का मतलब होता है मेरे बेटा जी, या तो ये इन्वेस्टिंग है या फिर ये फाइनेंसिंग है। तो इनको इसलिए हटाया जा रहा है, जिसके मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिए, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, याद आ रहा है नहीं आ रहा है कि नहीं? नहीं है। ये इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये कहाँ जाने चाहिए थे? फाइनेंसिंग में। तो इसे हम यहाँ से हटा रहे हैं, लेस को हटाने के लिए ऐड कर रहे हैं और फाइनेंसिंग में लेस करवा देंगे। बोलो आइए ना, क्योंकि तो ये नॉन ऑपरेटिंग है, इनकी सही जगह कहाँ होती है? इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में। तो ये वहां जाते हैं, यहाँ से हटके वहां को जाएंगे। ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, सेम। बोलो आइए ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये क्या है? इन्वेस्टिंग में ऐड होनी चाहिए थी, यहाँ क्यों ऐड है? हटाने के लिए क्या कर दिया? लेस। तो नॉन ऑपरेटिंग को तो इसलिए हटाया जाता है। नॉन कैश को क्यों हटाया जा रहा है? क्योंकि नॉन कैश खर्चे जैसे डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, लॉस आए ना, ये नॉन कैश इनकम, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सब नॉन कैश इनकम को क्यों? क्योंकि नॉन कैश है। नॉन कैश का मतलब क्या है? ना तो इनमें कोई पैसा जाता, ना इनमें कोई पैसा आता, ये बिना बात के खर्चा मान के माइनस है, हटा देते आए ना, माइनस को हटाने के लिए ऐड, और ये बिना बात की इनकम मान के ऐड है, तो ऐड को हटाने में क्या कर देते हैं? लेस। अरे यही बस हमें नहीं आई, इतनी इतनी बात है मेरे बेटा, और कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोलिए हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है भाई। ये चार हेडिंग मेन है, उसके बाद ये क्या निकल जाता है हमारा? कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। बोलो हाँ या ना। इसमें फिर हम क्या ऐड करते हैं? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट। मतलब सिर्फ आप ही देखो कि एसेट और लाइबिलिटी में, मतलब एसेट और लाइबिलिटी में बैलेंस शीट के अंदर कुछ करंट एसेट होंगी, कुछ करंट लाइबिलिटी होंगी, कुछ करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को छोड़कर, जैसे एग्जाम्पल दूंगा, सुनना सुनना दूंगा, बताऊंगा। इंक्रीज इन बाकी जितनी भी करंट लाइबिलिटी है या करंट एसेट है, उनका इंक्रीज डिक्रीज देखना, कुछ को छोड़कर। अब कुछ कौन कौन सी हैं चाहो तो लिख लो, कौन कौन सी हैं? जैसे कि देखो प्रोविजन, जैसे कि करंट लाइबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स, एक काम करते हैं मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है? ये देखो, जैसे कि कौन कौन सी करंट लाइबिलिटी डिस्कस नहीं करते तुम, ये देखो करंट लाइबिलिटी जिसको हम डिस्कस नहीं करते, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर तुम्हें प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है इसका स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, इसे नहीं देखा जाता यहाँ पर, ठीक है ना? अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अगर तुम्हें करंट लाइबिलिटी में ना अनक्लेम्ड डिविडेंड दे रखा है, इसको भी डिस्कस नहीं करते हैं, आए ना, इसका भी स्पेशली अलग ट्रीटमेंट हो जाता है। क्लियर नहीं है? करंट एसेट में, करंट एसेट में कौन सी करंट एसेट तुम नहीं देखते हो? जैसे कि एक है कैश इन कैश इक्विवेलेंट, उसे बिल्कुल तुम आखिर में डिस्कस करते हो, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? एक है तुम्हारी करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये भी कैश इन कैश इक्विवेलेंट मानी जाती है, इसको भी डिस्कस नहीं करते हो, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना, क्लियर है ये नहीं है, आया ये नहीं आया सही में? तो इनको आप डिस्कस नहीं, इनका आप स्पेशल ट्रीटमेंट करते हो, इनको इंक्रीज डिक्रीज में देखने का नहीं है बिल्कुल भी, इनको इंक्रीज डिक्रीज में देखने का नहीं है, बाकी देखते हैं हम। अरे आया ये नहीं आया, ये नहीं है। इतना करने के बाद क्या आएगा? कैश पे बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है ही नहीं, बस टैक्स लेस कर देना, बात खत्म। टैक्स का स्पेशल ट्रीटमेंट जिसके भी हम बात करेंगे। अरे आया ही नहीं आया सही में? इतनी सी कहानी और कोई कहानी नहीं है। अरे आया, चलिए जी देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी मेरे बेटा जी? ट्रीटमेंट की। इसकी बात करते हैं ट्रीटमेंट की, लेकिन चलिए देखो ट्रीटमेंट में ना, सबसे पहले मैं ट्रीटमेंट किसका सिखाने वाला हूँ मेरे बेटा जी? ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स एसेट के बारे में सिखाने वाला हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स एसेट या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में। किसके बारे में? ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बात क्लियर होगी नहीं होगी? देखिए ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स एसेट अगर और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की चर्चा करेंगे तो
नॉन करंट एसेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। नॉर्मली ऑब्वियस ही बात है, यहां पर आप क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए यहां पर वेन नो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको दो चार एसेट दे रखी है बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में, नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में दो चार एसेट दे रखी है, बट उनके बारे में कुछ बोला नहीं है, कुछ मत करना, इंक्रीज डिक्रीज देखना बस, बताओ। अब जैसे ये देखो, एक होगा प्रीवियस ईयर, एक होगा करंट ईयर, क्लियर है ये नहीं है, आपको हमेशा प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की ओर देखना है, पहली बात तो ये बात क्लियर होगी, नहीं होगी। आप ये देखना प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गई या घट गई, ये देखो है? घट गई, और ये क्या है लैंड बिल्डिंग क्या हो गई, बढ़ गई। देखो एक एसेट बढ़ती कब है, जब परचेस करते हो सेल करते हो, परचेस करते हैं तो देखो ये लैंड बिल्डिंग बढ़ रही है ना, तो तुम इसे क्या बोलोगे, परचेस, कितने रुपए की, 1 लाख की। और एसेट परचेस करने कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या कर दोगे, माइनस, परचेस करने से पैसा जाएगा, याद रखना। कई बार हमें क्या लगता है कि परचेस करना यानी कि आना, परचेस वर्ड क्या बता रहा है, कुछ आ रहा है, और कुछ आ रहा होता है ना तो हम क्या करते हैं 1 लाख रुपए ऐड कर देते हैं इन्वेस्टिंग में, हमें कुछ आना कुछ जाना नहीं देखना, हमें पैसे का आना जाना देखना है, आप समझ रहे हो। तो एसेट के आने से क्या होगा, पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो इन्वेस्टिंग में क्या करते ना 1 लाख ब्रैकेट में दिखाना माइनस में, एक भी जगह ब्रैकेट लगाना भूल गए ना, मामला गड़बड़, बिल्कुल गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, क्या भी समझ में आई नहीं है। ऐसे देखो ये प्लांट मशीनरी क्या होगी मेरे बेटा जी, घट गई, इसे तुम क्या बोलोगे, सेल, कितने रुपए की, 30,000 रुपए की, क्या कर दोगे, सेल करने से पैसा आएगा तो इन्वेस्टिंग में ऐड कर देना। लेकिन याद रखना एसेट का घटना एक कारण और भी होता है, वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो देखो एसेट अगर घट रही है तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो सेल या डेप। अगर तुम डेप्रिसिएशन मानोगे तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉन कैश, डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉन कैश, मतलब डेप्रिसिएशन की वजह से कोई पैसा जाता नहीं है, लेकिन फिर भी इसे तुमने खर्चा मान के क्या कर रखा होगा, प्रॉफिट में से माइनस कर रखा होगा। प्रॉफिट कहां पर दिखाया जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो प्रॉफिट है उसमें से डेप्रिसिएशन क्या है, माइनस है, जिसमें कोई पैसा जाता नहीं है तो बिना बात के माइनस है, क्या कर दूंगा, ऐड, तो क्या कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नॉन कैश एक्सपेंस मान के क्या कर देंगे, ऐड। अगर तुम डेप्रिसिएशन मानोगे तो भी ऐड हो रहा है, अगर तुम सेल मानोगे तो भी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, बस जगह अलग अलग है, या तो इन्वेस्टिंग में ऐड होगा या ऑपरेटिंग में होगा, ऐड 30,000 रुपए, अरे आया ही नहीं आया भैया। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो बेटा, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा ना, तो अगर बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है तो सेल मान लेना, छोटा डिफरेंस आ रहा है तो डेप मान लेना, आया ना, क्या मेरी बात समझ में आई है, नहीं आई, इसलिए मान कुछ भी लोगे तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, और चाहो तो नीचे लिख भी आना कि डेप्रिसिएशन। कई बार क्वेश्चन मेंशन भी कर देता है, क्या कर देता है, मेंशन कि डिफरेंस इन प्लांट एंड मशीनरी कंसीडर्ड एज डेप्रिसिएशन, समझ जाओगे आप, क्वेश्चन कह देगा ऐसा कि इनके बीच का डिफरेंस डेप्रिसिएशन मानना, तो समझ जाना क्वेश्चन ने बताता है, क्वेश्चन बोलता है, बोलो हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आई है, नहीं आई, बोलिए फटाफट से आई है ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, केस बी की। केस बी के अंदर मैंने क्या करा, मैंने प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया और मैंने साथ में क्या दे दिया, उसके एक्टिविटी डेप्रिसिएशन। ऐसी एसेट मिल सकती हैं जिनके साथ तुम्हें ये वाला खाता दिया जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी के साथ कौन सा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या दिया जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी दिया जाएगा, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलिए फटाफट से, क्लियर है मेरी बात। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ कितना है, 2 लाख, और यहाँ कितना है, 2.5 लाख, मतलब प्रीवियस ईयर में 2 लाख और ये इतना, और ये 50 और ये 80। क्वेश्चन में कुछ बात नहीं बोली गई है, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, बोलो हाँ या ना, कुछ मत करना, इसको अलग देखो, इसको अलग देखो, दो से कितनी होगी, 2.5, एसेट बढ़ रही है, एसेट का बढ़ना क्या कहलाएगा, परचेज, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, क्योंकि पैसा जाएगा, परचेज करने से पैसा जाएगा, जबकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 50 और ये कितना है, 80। ये ब्रैकेट मत देखना, ये देखो डेप्रिसिएशन 50-80 हो रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन कब बढ़ेगा, जब डेप और लगेगा, तो यानी कि इस साल कितना डेप लग गया, 30 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉन कैश, ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी क्या कर दोगे, ऐड, आया नहीं आया, इसको कुछ करना कराना नहीं है, इसे अलग डिस्कस करा, इसको अलग डिस्कस करा, आया या नहीं आया, क्या मेरी बात क्लियर होगी, नहीं होगी। अब है मेन बात, अब मेन बात क्या है, व्हेन एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग एनी एसेट, किसी भी एसेट के रिगार्डिंग अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलती है तो तुम क्या करोगे, अगर इंफॉर्मेशन मिलती है, देखो मैंने क्या लिखा है, अगर किसी भी फिक्स एसेट की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उस एसेट का अकाउंट ओपन कर देंगे, बोलो, अगर किसी भी एसेट की इंफॉर्मेशन बाहर मिलेगी, किसी भी एसेट की, प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग, किसी भी नॉन करंट एसेट की, जोर से बोलो, किसी भी नॉन करंट एसेट की,
दो ही बातें होंगी, या तो वो फिक्स एसेट होगी या फिर वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगी। अगर उसकी इंफॉर्मेशन अगर हमें बाहर मिलेगी तो हम क्या कर देंगे, उसका अकाउंट ओपन कर देंगे। क्या कर देंगे, उसका अकाउंट ओपन कर देंगे। क्या मेरे पास समझ में आ गई, नहीं आ गई, बोलिए फटाफट से हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है। अब देखो जैसे मैंने क्या करा, एक मैंने एक्सट्रैक्ट बनाया बैलेंस शीट का, मैंने लैंड एंड बिल्डिंग लिखी, मैंने प्रीवियस ईयर का 5 लाख लिखा, करंट ईयर का 6 लाख लिखा, और मैंने बाहर की इन्फॉर्मेशन ठोक दी, लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड 4 रुपीज 150, बुक वैल्यू 1.5 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन लैंड बिल्डिंग 30,000 रुपीज। मैंने ये लिख दिया कि लैंड एंड बिल्डिंग 1.5 लाख की थी, जिसकी 1.5 लाख में बेची थी, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 1 लाख रुपए, और डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ था 30,000 रुपए। कुछ नहीं करना, कराना क्या कर देना है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ओपन कर देना। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है बेटा, हमारी एसेट, एसेट का नेचर क्या होता है मेरे बेटा जी, डेबिट। जिसका नेचर डेबिट का, उसका ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट का। ओपनिंग बैलेंस कहां से आता है मेरे बेटा जी, प्रीवियस ईयर से। ये ओपनिंग बैलेंस है, मतलब टू बैलेंस बीडी है, और ये बाय बैलेंस सीडी है। 5 लाख और 6 लाख, देखो ये रहा 5 लाख और 6 लाख, बोलो आए टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर से आता है ना, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का बैलेंस, बोलो हाँ है ना। अब तुमने क्या करा, डेप लगाया इस साइड, डेप। डेप्रिसिएशन से क्या होता है, एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, एसेट का नेचर क्या होता है डेबिट, कम करने क्या कर दिया क्रेडिट। 30,000 का डेप लगाया, हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है टकाटक एकदम, बोलो हाँ है ना। हमने क्या करा, हमने 1 लाख की एसेट कितने में बेची, 1.5 लाख में बेची। बुक वैल्यू का मतलब है कि बैलेंस शीट में जो एसेट 1 लाख की थी वो 1.5 लाख की गई। तो देखो ये 1 लाख की एसेट पता क्या है, इस 5 लाख में इंक्लूडेड है। तो मैंने क्या करा, इस 5 लाख को तोड़ दिया 1 लाख और 4 लाख, समझ गया ना, मतलब 5 लाख में से 1 लाख गए तो कितने बचे, 4 लाख ना। अब ये 1 लाख वाली एसेट जा रही है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट बाय कैश या बैंक, 1.5 लाख की गई। तो बताओ एक की चीज दी थी 1.5 लाख में चली गई, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ आता है लॉस, यहाँ आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट ये आ गया। और अगर कम की जाती तो क्या होता, लॉस, लॉस यहाँ आया था, फिलहाल लॉस मैंने 0 माना हुआ है, क्लियर ही नहीं है, बोलिए हाँ ना। बस दो इन्फॉर्मेशन थी, दोनों मैंने यहाँ पुट कर दी, बात खत्म। अब क्या करा मैंने, ये ऐड करो, ये कितना बैठेगा, ये कितना बैठ रहा है, बोलो फटाफट से, 6, 7, 7.80, और ये कितना बैठ रहा है 5.5 लाख, मतलब ये ज्यादा है और ये कम है। यहाँ एक इन्फॉर्मेशन निकल गई 2,30,000 रुपए की इन्फॉर्मेशन, ये क्या है टू कैश या बैंक, मतलब क्या निकल गई परचेजेस। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि अकाउंट बनाने से क्या होता है, कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाती है जो कि हमें पता नहीं होती, बट अकाउंट हमें बता देता है। क्या मेरे पास समझ में आई या नहीं आई, अब क्या होगा मेरे बेटा जी, ठीक है ना। अब ये होगा, यहाँ से जब तुम अकाउंट पूरा प्रिपेयर कर लोगे तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन उठा उठा के कहाँ पे लेनी है, CFS के अंदर लेके जाने, कहाँ पे लेनी है मेरे बेटा, जोर से बोलो, CFS में लेके जाओगे। अब CFS में कैसे लेके जाओगे, फटाफट देखना जरा मेरे बेटा जी, CFS में कैसे, BDCD कहीं नहीं जाता, इसमें तेरा क्या घाटा। तो BDCD कहीं नहीं जाने वाला, पहली बात तो समझ लो, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी, बाकी सब ठिकाने लगेगा। बताओ लैंड बिल्डिंग क्या है हमारी एसेट, एसेट परचेस करना कौन सा एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। तो क्या कर दोगे, इन्वेस्टिंग में माइनस, क्योंकि परचेस करने से पैसा जाएगा तो माइनस, परचेस करना इन्वेस्टिंग, तो सेल करना भी इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्टिंग में क्या कर दोगे ऐड, क्योंकि सेल करने से पैसा आएगा, सेल करने से क्या हुआ, या तो लॉस या होगा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट और लॉस कहाँ पे गए होंगे, P&L अकाउंट में ऐड हो, और P&L में प्रॉफिट में ऐड हो गए होंगे, और प्रॉफिट कहाँ जाता है ऑपरेटिंग में। तो बताओ ये प्रॉफिट ऐड हुआ पड़ा है वहां पर, बोलो हाँ ना, क्योंकि प्रॉफिट होने से कोई पैसा आता नहीं है, तो बिना बात की वहां पर ऐड है। नॉन कैश इनकम क्या है बेटा जी, नॉन कैश इनकम, तो क्या कर देंगे, नॉन कैश इनकम में ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि नॉन कैश इनकम माइनस होती है, आएंगे ना। और अगर ये नॉन कैश इनकम है, लॉस हुआ तो वो क्या होगा, नॉन कैश एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, और डेप्रिसिएशन तो होता ही नॉन कैश है, बोलो हाँ ना, ये भी क्या कर दोगे ऑपरेटिंग में ऐड। तो ये ऑपरेटिंग में ऐड होंगे, ये इन्वेस्टिंग में होगा, ये इन्वेस्टिंग में, ये ऑपरेटिंग में, आया ही नहीं आया, बस कौन सी चीज किधर प्लेस होने वाली यहां से हमें पता लग रहा है, बात खत्म, बोलो हाँ ना। फिर हमने सीखा था बचपन के अंदर, बचपन के अंदर हमने क्या सीखा था कि डेप्रिसिएशन और प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन। मैं सीधी सीधी कहानी की बात, सीधी सीधी कहानी की लेके चलूंगा। देखिए अगर तुम्हें बैलेंस शीट में, जोर से बोलो, अगर तुम्हें बैलेंस शीट में अगर एसेट के साथ ये भी दे रखा है, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में नीचे वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन में खाली एसेट एसेट अकाउंट है, इसके साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं लिखा हुआ, तो मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया ही नहीं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तुम्हें एसेट के साथ एक्यूमुलेटेड अकाउंट भी दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी दे रखा है, तो तुम्हें कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तुम्हें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तुम्हें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, क्लियर ही नहीं है, कितने अकाउंट मेरे बच्चे,
दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, आई बस में ये। अब दो अकाउंट कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो प्लैटिनम मशीन अकाउंट और एक एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। साथ में तुमको इन्फॉर्मेशन क्या दे दी, मशीन कॉस्टिंग, क्या लिखा है, मशीन कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब होता है जो मशीन तुमने खरीदी थी कितने की, 50,000 की, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका है कितना, 30 का, वो मैंने बेच कितने में दी, 15 में। आ जाओ जरा देखें, बताओ मशीन कितनी खरीदी थी, 50 की, कितना डेप लग गया, 30, कितने बचे वैल्यू, 20, 20 की चीज कितने में बेची थी, 15 में, तो 5 का क्या हो गया, लॉस। मुझे यही चीज मेंशन करनी है किसमें, अकाउंट्स में, क्लियर ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है। तो दो अकाउंट बना रखे तुम्हें नजर आ रहा हो, एक प्लांट मशीन अकाउंट और एक, दोनों साथ में बनाना मेरे बेटा जी, 5-5 लाइने खींच देना साथ में, बनाना शुरू कर देना। मतलब एसेट का नेचर क्या होता है, प्लांट मशीनरी एसेट, एसेट का नेचर होता है डेबिट का, जिसका नेचर डेबिट का उसका ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट का, तो बीडी इधर सीडी इधर, बीडी कहां से आएगा, प्रीवियस ईयर से, ये रहा प्रीवियस ईयर, 2 लाख और 2.5 लाख, देखो जी 2 लाख और 2.5 लाख, इसका अपोजिट होता है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका नेचर क्या होता है क्रेडिट का, जिसका नेचर क्रेडिट का उसका ओपनिंग बैलेंस भी बीडी इधर तो सीडी इधर। अब इसका ओपनिंग दे रखा प्रीवियस ईयर से, ये रहा 50,000 और 80,000, बोलो हाँ ये ना, तुमने क्या कर दिया, 50,000 और 80,000, ये यहाँ लिख दिया, क्या मेरी बात समझ में आई है, नहीं है, जल्दी बोलिए फटाफट, क्या आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाओ, बहुत बढ़िया, ये नहीं है। अब इन्फॉर्मेशन क्या दी गई थी कि एसेट जिसको खरीदा गया था कितने में, 50,000 में। अब देखो मैं ना एक चीज़ इलेबोरेट कर रहा हूँ, बातों को समझना, या हमें एक बात तो क्लियर होती है ना, या तो बनेगा खाली एक अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, या बनेंगे दो अकाउंट। ये कब पता लगेगा, कब एक बनना है कब दो बनना है, ये पता लगेगा बैलेंस शीट के ऊपर, अगर बैलेंस शीट में दोनों दे रखे हैं तो दो बनेंगे, बैलेंस शीट में एक दे रखा है तो एक बनेगा, बोलो हाँ या ना, ये बात भेजे में जाती है। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है जो मैं तुम्हें दूर करने वाला हूँ, ये ध्यान में रखना, या तो एक अगर खाली प्लांट एंड मशीन दे रखा है बैलेंस शीट में, या दो अगर दोनों दे रखे तो, बोलो हाँ या ना। अच्छा दो अकाउंट का मतलब क्या होता है, दो अकाउंट का मतलब ये होता है कि देखो जी एक खाता है कॉस्ट पर और एक खाता है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। मतलब पता क्या है, ये 50,000 रुपये कहाँ पर है, ये 50,000 रुपये यहाँ पर इंक्लूडेड है, और जो इसके ऊपर डेप लगा हुआ है वो यहाँ पर इंक्लूडेड है, मतलब अमाउंट बटी हुई है, बोलो हाँ या ना। या बनता है खाली एक अकाउंट और वो किस पर होता है, WDV पर, समझ गए। अगर सुनो, अगर पता है खाली एक अकाउंट दे रखा है ना ये खाली प्लांट मशीनरी, तो इसका मतलब पता है क्या है, ये प्लांट मशीनरी किस पे है, कॉस्ट पे नहीं है, किस पे है, WDV पर है, मतलब उसमें तो ऑलरेडी डेप घट चुका है। एक होती है ग्रॉस वैल्यू, एक होती है नेट वैल्यू, नेट वैल्यू का मतलब होता है डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद वाली वैल्यू, ये पता कौन सी वैल्यू है, ये वाली, ये ग्रॉस है, जो ग्रॉस वैल्यू होती है ना, मतलब उनमें से डेप माइनस नहीं है, ये माइनस करने के बाद आया नेट वैल्यू, समझ गए, बोलिए हाँ ये ना। इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, WDV वैल्यू। तो या तो हम बनाएंगे इसका और इसका दो खाते, या इसके नाम पर एक खाता, बोलो हाँ ये ना, डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन क्या क्या बने, समझ गए, आया। अब देखो, यानी कि जो एसेट 50,000 की थी, देखो जो 50,000 है वो इस प्लांट मशीन में इंक्लूडेड है, और 50 के ऊपर जो डेप है वो नीचे इंक्लूडेड है, आया। देखो जी, तो मैंने क्या करा, इस 2 लाख को तोड़ दिया, 50,000 अलग और 1.5 लाख अलग, 50 वाली बिकेगी, और इस 50 के ऊपर डेप कितना लग चुका है, 30 का, तो उसे नीचे लिख दिया मैंने, ये रहा 30 और ये 20, 50 में 30 का अलग और 20 का अलग। जो मशीन बाहर कर रहे हैं उसके डेप को भी क्या करते थे, बाहर करते थे, डेप कहाँ पर है, क्रेडिट में, बाहर करने क्या कर दिया, डेबिट, और कहाँ भेज दिया, जीजा जी आएंगे दीदी को ले जाएंगे, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या था, ये 30 था, हटाने क्या करा, डेबिट, प्लांट मशीनरी में भेजेंगे यहाँ से, यहाँ डेबिट और ऊपर क्या करेंगे, क्रेडिट, बोलो हाँ ये ना, बाय एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से। अब खुद देखो, एसेट थी कितने की, 50 की, कितना टाइम लग गया, 30 का, तो बात कितनी रह गई, 20 की, 20 की चीज कितने में बिकी, 15 में बिकी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बाकी आ रहा है 5,000 का लॉस, अरे आया नहीं आया। अब इसको ऐड करो, इसको लेस करो, तो क्या निकलेगा तुम्हारे लिए, परचेस निकल गई, मतलब मिसिंग अमाउंट निकल गई, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पर क्या निकलेगा, ये ऐड करो और ये लेस करो, ये वो डेप निकल गया जो तुमने इस साल लगाया है। देखो एक बार ध्यान में रखना, समटाइम तुम्हें ये वाला डेप गिवन नहीं होता, तुम्हें ये दिया जाएगा कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन चार्ज, तो ड्यूरिंग द ईयर का मतलब समझ जाए ना, ये वाला डेप दे रखा है, ये वाला डेप मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट सोल्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट सोल्ड, वो गिवन है। कैसे निकालोगे, ये लिखोगे, ये ऐड करके निकाल दोगे,
ये निकालने से क्या होगा, तुम्हें ये पता लग जाएगा और तुम प्रॉफिट लॉस निकाल पाओगे। आए ना, क्लियर ही नहीं है, ऐसा भी होता है कई बार, ऐसी ट्रिक घुमाई जाती है। अब बस यहाँ से इन्फॉर्मेशन उठा उठा के कहाँ पटकोगे, CFS में, BD CD कहीं नहीं जाने वाला। और देखो BD CD दोनों की BD CD काट दिए मैंने, नीचे वाले के ऊपर वाले के भी। और देखो यहाँ ये एक्विटी डेप्रिसिएशन जो था, जो यहाँ से यहाँ आया था, ये भी कट और यहाँ भी कट, नहीं ये ये यही डेबिट है, यही क्रेडिट है, कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने एक बात बोली थी कि CFS पे फर्क तब पड़ता है जब या तो PNL पे फर्क पड़ रहा हो, या तो PNL पे फर्क पड़ रहा हो, क्लियर ही नहीं है, या तो PNL पे फर्क पड़ रहा हो, या फिर कहाँ फर्क पड़ रहा हो मेरे बेटा जी, आपका कैश पे फर्क पड़ रहा हो। अब ये डेबिट भी यही हो रहा है और ये क्रेडिट भी यही हो रहा है, बोलो हाँ ना, तो ना ये कहीं फर्क नहीं पड़ रहा, क्या मेरे पास समझ में आई नहीं आई, तो कुछ करने कराने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी, जैसे सेल करना इन्वेस्टिंग ऐड कर देंगे, परचेस करना इन्वेस्टिंग लेस कर देंगे, लॉस हुआ प्रॉफिट, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, नॉन कैश इनकम, नॉन कैश एक्सपेंस लेस या ऐड, बोलो हाई है ना। और जो डेप्रिसिएशन लगाया वो तो नॉन कैश होता ही है, क्या कर दोगे ऑपरेटिंग में ऐड, आया नहीं आया, क्लियर है ही नहीं है। ये सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आता ही आता है। सारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट ऐसे ही बनता है, बस याद रखना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं आता, बाकी सब कुछ होता है, क्लियर ही नहीं है। अरे आया नाउ, अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट ट्रीटमेंट की, जो कि इंपॉर्टेंट है, किसका, प्रोविजन फॉर टैक्स का, टैक्स की ट्रीटमेंट की बात करते हैं, क्लियर ही नहीं है। तुम बता घर पे क्या करना, मैंने इनिशियली ना प्रैक्टिसेस डाली थी, कुछ बच्चों ने करी नहीं होंगी, ये मोस्टली ने करी नहीं होंगी, ये छोटे 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 क्वेश्चन बहुत सारे डाले थे। आप या तो जो मैंने डाले वहां से कर लेना ऐप पर, या अपने बुक से कर लो। छोटे छोटे क्वेश्चन कौन से, खाली ऑपरेटिंग वाले क्वेश्चन, खाली इन्वेस्टिंग वाले क्वेश्चन, खाली फाइनेंसिंग वाले, सारे निपटा दो, सारे निपटा दो, बड़ा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, क्लियर ही नहीं है, बोलिए हाँ ये ना, उसके डाउट भी ले लेना उससे, क्लियर है। तो ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजनल टैक्स, अब देखो प्रोविजनल टैक्स में मैंने कितने केस बनाए, 3 केस। देखो अगर केस ए का मतलब है, देखो प्रोविजनल टैक्स कहाँ मिलेगा, करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी कहाँ डिस्कस करते थे, इंक्रीज और डिक्रीज में, लेकिन वहाँ डिस्कस करने का नहीं है। प्रोविजनल टैक्स का ट्रीटमेंट अलग होता है, बोलो हाँ या ना, क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर खाली प्रोविजनल टैक्स तुम्हें बैलेंस शीट में दे रखा है, तो तुम क्या करोगे, प्रीवियस ईयर को लेस करोगे और करंट ईयर को ऐड करोगे। कहाँ लेस करोगे, कहाँ ऐड करोगे, ऐड करोगे, यहां लेस करोगे, ये देखो देखो मैं बता देता हूं, ये ऑपरेटिंग में ना नीचे की तरफ जो टैक्स पेड का ऑप्शन होता है, टैक्स पेड का, ये वहां माइनस किया जाएगा, बोलो हाँ ना, मैंने फाइल क्लोज कर दी थी। और ऑपरेटिंग में जो करंट ईयर वाला, उसे क्या कर दोगे, ऑपरेटिंग में ऐड कर दोगे। एक तरह से मान के चलो ये टैक्स कौन सा, मेड वाला, और ये कौन सा टैक्स है, पेड वाला। प्रीवियस ईयर का जो टैक्स है वो तुमने पे करा होगा, पे करा है तो पैसा गया, तुमने माइनस किया। लेकिन जो करंट ईयर का टैक्स है वो तुमने क्रिएट किया, अभी तक पे, ये कब पे होगा, अगले साल। बट इसे तुमने खर्चा मान के क्या कर दिया होगा, माइनस, क्योंकि पैसा गया, इसे ऐड करवा दिया। और जो पैसा जाएगा उसे क्या करवा दिया, लेस। सीधी बात बोलूंगा, क्या करोगे, प्रीवियस ईयर को लेस, करंट ईयर को ऐड, क्लियर ही नहीं है, बोलिए हाँ ये ना। और अगर इन्फॉर्मेशन खाली तुम्हें कहाँ दे रखी है, बी केस, अगर इन्फॉर्मेशन तुम्हें बैलेंस शीट में नहीं दे रखी है, खाली कहाँ दे रखी है, बैलेंस शीट नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। यही 12,000 रुपये क्या होंगे, यही ऐड होंगे, और यही 12,000 क्या होंगे, लेस होंगे। यही करंट ईयर की अमाउंट है, यही प्रीवियस ईयर की अमाउंट है, यही मेड है, यही पेड है, बोलो हाँ ये ना। यही ऑपरेटिंग में ऊपर ऐड होगा, यही ऑपरेटिंग में नीचे लेस होगा, बोलिए हाँ या ना, क्लियर है मेरी बात। आगे चलते हैं केस नंबर सी, जो कि इंपॉर्टेंट केस है। अगर प्रोविजनल टैक्स के बारे में बाहर भी इन्फॉर्मेशन है तो क्या करोगे, उसका अकाउंट ओपन कर दोगे। टैक्स पे करना क्या होती है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की होती है क्रेडिट, जिसका नीचे क्रेडिट का, उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का। ओपनिंग ये रहा प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग ये रहा करंट ईयर, क्लियर ही नहीं है, तो देखो ये रहा, बोलिए लाइबिलिटी का नेचर क्या है, क्रेडिट का, बाय बैलेंस BD 10,000 और टू बैलेंस CD 15,000, आगे नहीं आ गया, बोलिए हाँ ये ना। अब यहाँ पर ना आपको दो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जब टैक्स पे करोगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट का, खत्म होने का करोगे डेबिट, बोलिए हाँ ये ना। तो टू बैंक लिख दिया हमें, पे कर दिया, ठीक है ना। अब
और इसको ऐड करके इसको लेस करके एक इंफॉर्मेशन निकलती है टैक्स मेड की। पता क्या है, अगर तुम्हें पेड गिवन है तुम मेड फाइंड कर लोगे, मेड गिवन है तो तुम पेड फाइंड कर लोगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, टैक्स पेड, तुम्हें पेड गिवन है कितना 12,000, इसको ऐड करके इसको लेस करके क्या निकल गया 17,000 मेड निकल गया। टैक्स मेड का मतलब है तुमने और कितना टैक्स क्रिएट करा, तुमने और कितना प्रोविजन बनाया। प्रोविजन बनाने से कोई पैसा जाता नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रोविजन को क्या करा होगा, खर्चा मान के पीएनएल में तो माइनस कर दिया होगा, क्योंकि प्रोविजन बनाने से कोई पैसा जाता नहीं है, नहीं जाता है तो खर्चा मान के क्यों माइनस कर रखा है, तो क्या करो ऐड करो। इसी को हम क्या करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करवाते हैं नॉन कैश के अंदर, बोलिए हाँ ये ना, ठीक है ना, और ये पे कर दिया तो ऑपरेटिंग सबसे लास्ट में इसे क्या करते हैं लेस करवाते हैं, बोलो हाँ ये ना, क्योंकि पैसा जा रहा है तो मेड एड पेड लेस, बोलो हाँ ये ना। ये सेम लॉजिक मैंने ऊपर लगवाए थे कि ऑपरेटिंग मेड ऑपरेटिंग लेस, ऑपरेटिंग मेड ऑपरेटिंग लेस, बोलो हाँ ये ना। क्लियर है मेरी बात, आया या नहीं आया जल्दी बोलिए बराबर, हाँ ये ना क्लियर है, बोलो हाँ ये ना। देखिए टैक्स मेड को ना आप टैक्स प्रोवाइडेड भी कहते हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा ना टैक्स मेड टैक्स प्रोवाइडेड, समझ जाना समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, है ना, मेड की बात कर रहे हैं। मेड दिया होगा तो पेड निकल जाएगा, अरे आया। अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड की, डिविडेंड पेड। अब डिविडेंड पेड क्या है बेटा जी, डिविडेंड पेड इसे बोलते हैं फाइनेंसिंग, ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है ना। डिविडेंड पेड अभी हमने करा था, पढ़ के भी आए थे हम, डिविडेंड पेड इंटरेस्ट पेड, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, तो डिविडेंड पेड की बात कर रहे हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करोगे माइनस, बट ऑपरेटिंग में क्या करोगे प्लस। बट सवाल क्या है कि डिविडेंड पेड को हम स्पेशली क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम बात करेंगे टाइप ऑफ डिविडेंड की। डिविडेंड कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, एक होगा प्रपोज डिविडेंड और एक होगा इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड तुम्हें कहाँ मिलेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, और प्रपोज डिविडेंड नॉर्मली तुम्हें कहाँ मिलेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर और बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में, समझ गए। इसमें दो ईयर दे रखे होंगे तुम्हें, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, तुम्हें करंट ईयर बिल्कुल टोटली क्या कर देना है, इग्नोर 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 इग्नोर। और याद रखना मैंने तुम्हें कैसे कहा था कि डिविडेंड जब भी देते हैं फ्लैट देते हैं, डिविडेंड कभी टाइम के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट निकालोगे डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे, लोन के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे, वो टाइम के अकॉर्डिंग करना कि कितना अमाउंट कितने महीने तक रहा, उस अमाउंट में उतने महीने का इंटरेस्ट। डिविडेंड जब कैलकुलेट करोगे तो बस इतना देखना डिविडेंड दे कितना रहे हैं, डिविडेंड का रेट कभी 10% पर एनम 12% पर एनम नहीं होता, बस 10% 12% ये होता है, डायरेक्ट फ्लैट रेट होते हैं उसके। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, वहां पर एनम का रेट नहीं चलता, मेरी बात समझ में आई है नहीं आई, बोले बराबर हाँ या ना। तो डिविडेंड को बात को समझना, डिविडेंड जिस टाइम पे दिया जा रहा है उस टाइम पे मार्केट में कितना शेयर था, टाइमलाइन पे नाम लगा के दिखाता था मैं, तो ये देखो कि जिस टाइम तुम डिविडेंड दे रहे हो उस समय मार्केट में कितना शेयर है उस पे लगा दो, बात खत्म, डिविडेंड निकल जाएगा, बात खत्म, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। और प्रपोज में तो वैसे कुछ नहीं करना होता, प्रपोज में तो दो अमाउंट होते, प्रीवियस ईयर वाली और करंट ईयर वाली, करंट वाली अमाउंट में इंटरेस्ट डिविडेंड दे देनी, खाली कौन सी देंगे प्रीवियस ईयर वाली पे, प्रीवियस वाली अमाउंट में रेट लगाएंगे, बोलो हाँ या ना। बस इसको पकड़ो, फाइनेंसिंग में लेस करो, ऑपरेटिंग में ऐड करो, करंट ईयर को टोटली इग्नोर। इंटरिम डिविडेंड खाली एक ही साल का मिलता है, वो होता है करंट ईयर का, क्योंकि करंट ईयर का डिविडेंड होता है और करंट ईयर में ही पे कर दिया जाता है, बोलो हाँ या ना। बात करो फाइनेंसिंग का में लेस, ऑपरेटिंग में ऐड, बस मेन प्रपोज डिविडेंड का है, करंट ईयर इग्नोर करते हैं, प्रीवियस ईयर लपकते हैं, इसका प्रीवियस ईयर लपकते हैं और इसका करंट ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर होता ही नहीं है। बाकी इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव इंटरेस्ट पेड मैंने बता दिए, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्या मेरी बात क्लियर हो गई, बोलिए बराबर थे हाँ या ना, अरे आया। अच्छा अब देखो एक बात बता दो, जो मैंने फॉर्मेट तुम्हें सिखाया था, ठीक है, मैंने बोला था सारा फॉर्मेट सेम है, बस एक चीज बस इतना बोल रहा हूँ, देखो ये देखो नॉर्मली जो भी फॉर्मेट हमने पढ़ा था उसमें क्या था, नेट प्रॉफिट के बाद सीधा क्या कर रहा था मैं, ऐड कर रहा था नॉन कैश। लेकिन पता क्या, इस नेट प्रॉफिट और इस नॉन कैश की हेडिंग के बीच में कुछ गिने चुने आइटम होते हैं जो तुम्हारी मैडम कहते हैं कि अलग से लिखते हैं, मैं इन हेडिंगों को ये आइटमों को नॉन कैश में एड लेस करवा देता था, करवा मैं भी वही रहूँ, ऐड होना तो ऐड, लेस होना तो लेस, बट मैं यहाँ पे ऐड लेस करवा देता था जिससे अंडरस्टैंडिंग जल्दी बन जाती थी बच्चों की। बट अब क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन तो चुकी है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा बोलने की बेटा इस जगह से उठा के इस जगह पे लिख दियो, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे कि अगर हम रिजर्व ट्रांसफर, अगर हम प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, रिजर्व से निकाल रहे हैं, वो अगर हम प्रॉफिट में से अमाउंट निकाल के रिजर्व में डालेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, कम, क्योंकि प्रॉफिट कम होने से कोई पैसा जाता नहीं है, तो बिना बात की प्रॉफिट लेस हो रहा है, तो क्या करवा दिया ऐड, अगर रिजर्व बढ़ रहा है तो ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व, रिजर्व से ले रहे हैं
तो प्रॉफिट बिना रिजर्व से लेकर प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, लेकिन रिजर्व से प्रॉफिट में डालने से, रिजर्व में रिजर्व से अमाउंट निकालकर प्रॉफिट में डालने से कोई प्रॉफिट बढ़ता है, लेकिन पैसा तो आता नहीं है, तो बिना बात के ऐड कर रहे हैं, तो क्या कर दिया लेस। बोलो हाँ, ये ना प्रॉफिट में टैक्स बताया था मैंने आपको, मेड वाला ऐड करते, मेड वाला, करंट ईयर वाला, याद आ रहा है, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड बोला था, इसका करंट ईयर, इसका प्रीवियस ईयर वाला क्या करते हैं, ऐड करते, बोला था, बस इनको स्पेशली डील करा जाता है और कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को मैं करवा नहीं रहा क्योंकि वो तुम्हारे कोर्स में है। अरे आया, क्लियर है, पर इतनी सी बात है कि टीचर ये कहते हैं कि भाई, बल्कि आई एस टी भी तो मैडम यही कहते हैं कि कोई हेडिंग ही मत लगाओ, ये वैसे भी करा दे, नहीं कराया आई एस टी बोर्ड में, तो मैडम तुम्हारी कहेंगी कि कोई कोई फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर जो ऐड होना ऐड करो, जो लेस होना है लेस करो, सीधा आंसर दे दो, बात खत्म, समझ गए। और सी बी एस ई में ये कहते हैं कि नहीं, ये स्पेशली डिस्कस करो, ठीक है, बट मैं इनको स्पेशली डिस्कस शुरू में इसलिए नहीं करता क्योंकि बच्चा समटाइम कन्फ्यूज हो जाता है, मैं सोचता हूँ कि कम हेडिंगों में काम किया जाए पहले, फिर हेड एक बार जब कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएगा ना, फिर हेडिंग दो चार बढ़ा भी दोगे तो बच्चे को फर्क नहीं पड़ता, उसे समझ में आ जाता है ना कि कहानी आया, क्लियर है। एक एक बात और बताता हूँ, देख रहा है लौंडे को, देखो एक चीज ये समझाता हूँ कि एंटिटी ये एक नंबर में दो नंबर में थ्योरी में आया था। देखो दो तरह की एंटिटी होती है, एक होता है फाइनेंशियल एंटिटी, एक होता है नॉन फाइनेंसिंग। आपको जितने भी आएंगे ना वो नॉन फाइनेंसिंग वाले आएंगे, और नॉन फाइनेंसिंग का तुम्हें ट्रीटमेंट पता है, बताओ क्या ट्रीटमेंट है, इंटरेस्ट पे करें, डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग, और इंटरेस्ट लेना, डिविडेंड लेना कौन सी एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग। ये बात समझ में आती है, पूरी फटाफट आए ना, ये बात भेजे में जाती है नहीं आती है, अरे क्लियर है मेरी बात, नहीं क्लियर, बहुत बढ़िया। जबकि पता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी होती है, मतलब फाइनेंसिंग कंपनी वो कंपनियां होती हैं जिनका काम क्या होता है, पैसे का लेना और इधर देना, इधर से लेना इधर को देना, जिसके अंदर मैंने एग्जाम्पल के देते बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC आए ना, निधि बैंक, समझ रहे हो ना मेरी बातों को, म्यूचुअल फंड्स, ये सब इधर आते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, पैसे को घुमाना। बोलो हाँ, ये ना, तो पता क्या है, इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट रिसीव करना और डिविडेंड रिसीव करना, इनके लिए कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, क्योंकि इनका मेन काम ही क्या है, पैसा लेना देना, तो इंटरेस्ट लेना देना भी क्या होगा, इनका मेन काम होगा। तो देखो याद कर लो, इंटरेस्ट लेना देना और डिविडेंड लेना, ये कौन सी एक्टिविटी इनके लिए, ऑपरेटिंग, जबकि डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। आया या नहीं आया, क्लियर ही नहीं है, बस इतना सही है। बाकी जब उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला बनाएंगे तब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बट ऑफ कोर्स सीधी सीधी बात है। आया, क्लियर है, हाँ जी, सारे बच्चे बता दो क्लियर है, कुछ रहा तो नहीं, बता दो फटाफट, क्लियर है ना, ठीक है, बोलिए।